हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गैस आप अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में सैमसंग S23 कैसे इंस्टॉल करें। तो गैस आपने आज के इस वीडियो का इंट्रो तो देख लिया होगा। मैंने आपको इंट्रो में हल्का सा दिखा दिया कि गैस मैंने अपने ओप्पो के फ़ोन में S23 पूरी तरीके से इंस्टॉल कर रखा था। और गैस आप भी अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में बड़ी आसानी से सैमसंग S23 इंस्टॉल कर पाओगे। चाहे गैस आपका फ़ोन कोई सी भी कंपनी का हो, चाहे ओप्पो, रियलमी, वीवो वगैरह कोई सा भी हो, आप उसके अंदर बड़ी आसानी से सैमसंग S23 इंस्टॉल कर लोगे। बस गैस आपको आज के वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है और गैस मैं आपको 110% वर्किंग करके दिखाने वाला हूं। तो गैस आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना। तो गैस अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो गैस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारे चैनल के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना और गैस आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। और आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मिस्टर्स होके हमारी इंस्टाग्राम आईडी में इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, गाइस वीडियो एकदम कमाल का होने वाला। तो अभी आप देख सकते हो ये मेरा ओप्पो का फ़ोन है और गाइस इसके अंदर हम सैमसंग S23 पूरी तरीके से इंस्टॉल करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो यहाँ से आप एकदम ध्यान से देख लेना बिना स्किप करें। तो गाइस अभी आप देख सकते हो ये एकदम नॉर्मल एंड्रॉइड फ़ोन की तरह है और गाइस मैं आपको इसका कंट्रोल सेंटर भी दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी आप देख सकते हो जो गाइस हर एक एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर अपना अपना कंट्रोल सेंटर होता है, ये वही कंट्रोल सेंटर है। और गाइस इसको हम पूरा जब चेंज कर देंगे ना तो गाइस एकदम आपको कमाल का देखने को मिलने वाला है। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको गैस दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जिससे कि गैस आप अपने पूरे एंड्रॉइड फ़ोन को अमेजिंग लुक दे पाओगे सैमसंग S23 का। तो गैस आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है और गैस यहाँ से एकदम ध्यान से देखना है। तो गैस आपको सबसे पहले ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। गैस ये रातों रात गैस आप देख सकते हो इसके 10 मिलियन प्लस डाउनलोड से गैसन हो चुके हैं इंस्टॉल। गैस ये एकदम कमाल की एप्लीकेशन है, आप देख सकते हो इसके अंदर 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है। और गैस इससे गैस आप देख सकते हो ऐसा लुक कर पाओगे अपने एंड्रॉइड फ़ोन का। और गैस काफ़ी ज़्यादा लोग इस एप्लीकेशन के यूज से अपने एंड्रॉइड फोन को पूरा सैमसंग S23 अल्ट्रा में बदल रखा है। तो गैस आपको दूसरी एप्लीकेशन एक और इंस्टॉल करनी है जिससे कि अगर आपके फ़ोन में इसका कंट्रोल सेंटर वर्क ना करे तो हमें वो कंट्रोल सेंटर कैसे लगाना है, जो कि गैस पूरा आपको डिट्टो S23 की तरह देखने को मिलेगा सैमसंग S23 की तरह। तो गैस आपको इसके बाद जब आपको क्या करना है, गैस आपको यहाँ सिंपली इस एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना। गैस ये लॉन्चर है एक जिससे गैस अपने एंड्रॉइड फ़ोन को पूरा लुक होने वाला है। तो गैस अभी आप देख पाओगे गैस आपको एकदम नॉर्मल सा देखने को मिल रहा होगा। तो गैस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आ जाना है, वॉलपेपर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गैस यहाँ पर आपको गैलेक्सी S23 देखने को मिलेगा, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है एंड ऐड को कट कर देना है। कट करने के बाद गैस फिर आपको अगेन क्लिक करना है। तो गैस क्लिक करने के बाद गैस आपको यहाँ सैमसंग S23 के आपको ये वॉलपेपर देखने को मिलेंगे। तो गैस आपको जो लेटेस्ट चल रहा है आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है एंड गैस इसे आपको राइट पे क्लिक कर देना है। राइट पे क्लिक करने के बाद गैस आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और गैस आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो डायरेक्ट गैलरी में। तो गैस हमें इसे कट नहीं करना है, हमें सिंपल इस पे क्लिक करना है। तो गैस आप देखेंगे आपके फ़ोन में कुछ आपको इस तरीके से लुक देखने को मिलेगा। और गैस आप कंट्रोल सेंटर निकालेंगे तो गैस आपको एकदम नॉर्मल कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा, जो कि गैस आपके एंड्रॉइड फ़ोन में पहले से ही था। तो गैस आपको सैमसंग S23 का कैसे लगाना है कंट्रोल सेंटर तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसे पूरी तरीके से कट करना है, कैसे हम अभी स्क्रीन पर आ गए, आपको कैसे फिक्स करना है मैं आपको ये भी बता दूंगा। तो गैस इसके वॉलपेपर को आप इंस्टॉल कर लेना, सिंपली मैं आपको बता दूंगा। और ये गैस आपको डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा आपको कैसे इसे इंस्टॉल करना है इस वाले वॉलपेपर को, क्योंकि गैस अच्छी तरीके से नहीं लगता है तो हम इसे सेट कर देते हैं पूरा तरीके से। सेटस बोथ कर दिया हमने, गैस ये नॉर्मल हो गया, अब हम इसे कट कर देते। तो गैस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपको फिर से गैस प्ले स्टोर पर आ जाना और गैस आपको ये वाला ये सैमसंग S22 अल्ट्रा लॉन्चर है, गैस इसको हमें बैक कर देना है। बैक करने के बाद गैस आपको क्या करना है, यहाँ पर बैक करना है। तो फिर गैस आपको लिखना है गैलेक्सी कंट्रोल सेंटर, गैस आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, इसे इंस्टॉल पर लगा देना है। तो गैस हमारा कंट्रोल सेंटर हो चुका है इंस्टॉल। अब गैस आपको इसे कस्टमाइज़ भी करना है। तो गैस वीडियो आप यहाँ से एकदम ध्यान से देख लेना। तो गैस आपको अभी काम पूरा नहीं हुआ है, आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले गैस हम एक परफेक्ट तरीके से लगा लेते हैं। तो गैस हमें इसे ऑन करना है, सबसे पहले एग्री पे क्लिक करना है, गैलेक्सी पे आ जाना है, गैस आपको इसे ऑन कर देना है। ओके बैक बैक, फिर से गैस आपको सेम प्रोसेस करना है, इसे ओके करना है, बैक आ जाना है, इसको भी गैस इनेबल कर देना है। आपको यहाँ पर गैलेक्सी कंट्रोल ढूंढ करता तो गैस आपको यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। फिर गैस आपको यहाँ पर ऊपर ऐड देखने को मिलती है, तो गैस हम इसे ऐसे स्वाइप कर देते हैं। फिर गैस आपको यहाँ पर आ जाना है, चेंज ऐप वॉलपेपर पर आ जाना है, सिंपली गैस आपको S22 पे क्लिक करना है एंड गैस फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है, मैं कुछ नहीं करना, सीधा राइट पे क्लिक कर देना है, बस बैक करते हैं बैक। तो गैस अब हम कट कर चुके हैं, कट कर दिया गैस हमने। अब आपको क्या करना है गैस, आपको सेटिंग में आ जाना है एंड ऐप मैनेजमेंट आपको देखना है,
सिंपली क्लिक करना है, डिफ़ॉल्ट ऐप पे क्लिक करना है गाइस, आपको होम ऐप पे क्लिक कर देना है, फिर गाइस आपको गैलेक्सी पेज पे क्लिक करना है। तो गाइस अब आप देखोगे आपके फ़ोन में ये लग चुका और फिक्स भी हो चुका है, जैसे कि कैसे हम कट करेंगे तो एक कट नहीं होगा। और गाइस मैं आपको कंट्रोल सेंटर दिखा देता हूँ, तो गाइस आप देख सकते हो ये है हमारा सैमसंग S23 का कंट्रोल सेंटर। गाइस आप देख सकते हो ये एकदम आपको बढ़िया तरीके से देखने को मिल रहा होगा, और गाइस यहाँ पर ये 110% वर्क भी कर रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो इसकी ब्राइटनेस वगैरह भी देख रहे हो। और गाइस आपको इसके अंदर क्या क्या फंक्शन देखने को मिलते हैं, तो गाइस हम ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं और गाइस इसको हम अप करते हैं ऊपर की तरफ। तो गाइस हमें थोड़ा सा आपको इसके फंक्शन बताता हूँ। इसके अंदर गाइस आपको कुछ नॉर्मल सा ऐसे इंटरफेस देखने को मिलता है गाइस, और गाइस जैसे ही आप नीचे से ऊपर की तरफ कुछ स्वाइप करोगे तो गाइस आपको अपनी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगी। तो गाइस आप देख सकते हो ये जितनी भी एप्लीकेशन है आपकी सारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। बैक करते हैं गाइस, ये आपको पूरा एकदम नॉर्मल जैसे आपको फ़ोन में कॉल होती है गाइस एकदम सब आपको एकदम नॉर्मली देखने को मिलेगा। बैक कर देते हैं। एंड गाइस ये आपका गूगल है, प्ले स्टोर गाइस, कैमरा जो भी है गाइस आपका फ़ोन को देखने को मिलेगा, लेकिन जो गाइस आइकन है ना एकदम चेंज हो जाएंगे सैमसंग S23 की तरह बस गाइस। और गाइस एकदम नॉर्मल सा आपको देखने को मिलेगा गाइस इसके की वीडियो। बस इतने मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। और गाइस आपको अपने एंड्रॉइड फोन में सैमसंग S23 कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारे चैनल के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना गाइस, और आपने लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो। और आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मिस हो सके हमारी इंस्टाग्राम आईडी में इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो गाइस। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।